हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना जो है फेसबुक अकाउंट जो होता है उसे आप परमानेंट के लिए या हमेशा के लिए कैसे आप डिलीट कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या प्रोसेस करना होगा जो भी अपना फेसबुक अकाउंट है उसे आप परमानेंट को डिलीट करने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लिया। इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं, आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको नीचे स्वाइप अप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं, आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब आपको क्लिक करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे दे सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप दे सकते हैं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आप में देखने को आ रहा है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। अब आपको क्लिक करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन आप में देखने को आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसके बाद आप में यहाँ पर डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पे आपको फिलअप कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप इस पे होगा तो आपको डायरेक्टली इस पर आपको कर देना होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर कंटिन्यू अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं, आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अब आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं, आपको दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको डायरेक्टली इसी वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आया। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को आएगा। तो इसे आप रीड भी कर सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो या रीड करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, अब इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट अकाउंट का ऑप्शन हो रहा है। तो आपको इस वाले ऑप्शन में आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। अब आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं, आपके अपने अकाउंट को आपका यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। चलिए हम पासवर्ड को डाल देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने अपने अकाउंट का यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, जो भी हमारा फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं, आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को आएगा। तो आपको करना क्या होगा, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है, जैसे आप देख, अगर आप अपने जो है फेसबुक अकाउंट को जो है 30 दिन तक के अंदर अगर आप अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हो तो यह अकाउंट जो है आपका डिलीट नहीं होगा। तो आपको लॉगिन नहीं करना, तभी आपका जो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो आपको करना क्या होगा, अब आपको इसे मालूम हो गया है इसके बारे में जो हमने आपको बताया है, तो आपको कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं, आपका अकाउंट जो है यहाँ पर परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए आपका जो अकाउंट है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन के अंदर लॉग इन कर लेते हो तो आपका अकाउंट नहीं डिलीट होगा, अगर आप लॉग इन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो आपको एक कर लेना, जैसे आपको 30 दिन तक लॉग इन नहीं करना है तो आपका अकाउंट है परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने जो है फेसबुक पे जो अपने अकाउंट को हमेशा के लिए आप डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने आपको करके दिखाया है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।